बात अब चीन की करेंगे, क्योंकि कुदरत चीन में सबसे बड़ी विनाश लीला दिखा रही है। ऐसा लगने लगा है कि अब की बार चीन महातबाही की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि चीन की 433 नदियों में भयंकर और भीषण बाढ़ है। 1961 के बाद चीन में सबसे जोरदार बारिश हो रही है। चीन का वुहान शहर तो जैसे जल समाधि ले चुका है। चीन में आई महातबाही। चीन में बाढ़ से 141 लोगों की मौत। चीन में महातांडव मचा रही हैं 433 नदियां। 1961 के बाद चीन में सबसे भयंकर बारिश। चीन के वुहान शहर का वजूद खतरे में पड़ा। लगता है चीन में कुदरत अपनी विनाश लीला दिखा रही है। चीन ने जो कुकर्म किए हैं, अब उनका फल चीन भोग रहा है। जिधर देखो बर्बादी ही बर्बादी है, और हां, सबसे बड़ी बर्बादी की कगार पर खड़ा है वुहान। जी हां, वही वुहान जिसे दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर कहा गया है, और अब भयंकर बाढ़ से वुहान का वजूद ही खतरे में पड़ गया। आज हम आपको चीन के चप्पे चप्पे का वो सच दिखाएंगे जो चीन की बर्बादी और निस्तनाबूद होने की कहानी बयां कर रहा है। हम आपको बता दें कि चीन की यांगजी नदी के इलाके में पिछले 50 सालों की दूसरी सबसे जोरदार बारिश हुई है। चीन में लगातार घातक बाढ़ आ रही है, जिससे चीन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। पिछले महीने बाढ़ से लगभग 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, और 141 लोग या तो मारे गए हैं या बाढ़ में लापता हैं। चीन में आपातकालीन प्रबंधन उपमंत्री झेंग गुओ गुआंग के मुताबिक तिब्बत और शिनजियांग जैसे विशाल पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे चीन में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है।直接经济损失是861.6亿元，同时有200多万人次紧急转移需要安置，农田接收的面积是516千公顷。 यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसके कुछ हिस्सों में पिछले 6 महीनों में 1961 के बाद दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है। यांगजी हुबेई प्रांत से होकर बहती है और अपनी कई झीलों और नदियों के लिए मशहूर है, और अब इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई है। चीन का वुहान शहर हुबेई प्रांत में आता है। यहां भी आपातकाल जैसे हालात हैं। पुल डूबे हैं, इमारतें डूबी हैं, घरों से मासूम बच्चों को बचाया जा रहा है, मासूम बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, चीन के सैनिक बुजुर्गों को बचा रहे हैं। बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है, सब कुछ तहस नहस सा हो गया है। नदियां उफन रही हैं, खेत तबाह हो गए हैं। वुहान में सरकार ने नदी के पोर्ट को बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही 12,000 लोगों को खतरे वाली जगहों की पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। वुहान के हानकू पोर्ट पर भी पानी अलर्ट स्तर के 61 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर यह भी बताया कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। दक्षिणी और मध्य चीन के सभी कस्बे इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। चीन की 433 नदियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, और उनमें से 33 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच भी गए हैं। यांगजी के अलावा उत्तर में पीली नदी, दक्षिण में जुआजियांग और शंघाई के पश्चिम में बहने वाली चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ताहू जैसी सभी प्रमुख नदियों और झीलों में बाढ़ आई हुई है। यहां तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ये बांध टूटा तो करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। एक तरफ तो चीन मूसलाधार बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहा है, ऊपर से चीन में भूकंप भी आ रहा है।
बीते दो दिनों में चीन में भूकंप के दो झटके महसूस किए गए हैं। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके के शिनजियांग में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। चीन जिस तरह से कुदरत से खिलवाड़ करता है, अब कुदरत ने चीन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।